बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज देश का पांचवा सबसे गर्म शहर, अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अयोध्या का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, अल नीना वर्ष है, यानी कि इस वर्ष जो भी मौसम होगा वो अपना कहर भर पाएगा, और यूपी में लगता है इसका कहर और भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, यूपी के अधिकतर जिले इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है, और खासतौर पर अगर हम सेंट्रल यूपी की बात करें या फिर पूर्वांचल की बात करें या फिर बुंदेलखंड की बात करें, तो यहां पर गर्मी का जो असर है सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों की बात करें तो आज जो अधिकतम तापमान है वो तकरीबन 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। हालांकि कल मौसम कह सकते हैं तापमान में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखी जाएगी, लेकिन एक बार फिर से शनिवार से जो तापमान है तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गर्मी की वजह से जो सामान्य जनजीवन है वो काफी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि लोग सुबह 10 बजे के बाद घरों से निकलना नहीं चाहते। हालांकि जो कामकाजी लोग हैं उन्हें घरों से निकलना पड़ता है, लेकिन चाहे हम गर्मी की बात करें या फिर लू की बात करें, तो इसकी चपेट में आने से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। खासतौर पर जो मौसमी बीमारियां हैं वो घर कर रही हैं, लोगों को परेशान कर रही हैं। जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें खासतौर पर जो ओपीडी होते हैं उसमें मरीजों की तादाद में वृद्धि देखी जा रही है। कह सकते हैं कि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है उसका असर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। एक तरफ लोगों के कामकाज पर उसका असर देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं इससे लोगों का स्वास्थ्य भी काफी हद तक प्रभावित होता दिख रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अभी अप्रैल का महीना है, यानी कि मई और जून में जो तपिश है और ज्यादा बढ़ने वाली है। साइज की बात है, तपिश बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, तो जो लोगों की दिक्कतें और जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ने वाली है। बिल्कुल अविनाश, तो कुल मिलाकर गर्मी अपना कहर यहां पर बरपा रही है अविनाश। और इसको लेकर देखिए, एक एसी की मैं समस्या की यहां बात करना चाहूंगी। लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एसी भी किस कदर तापमान को नुकसान पहुंचा रहा है, यूएन की रिपोर्ट में भी ये सामने आ चुका है। और इसके लिए बहुत जरूरी ये हो जाता है कि हम किस तरीके से जो बदलता मौसम का ये साइकिल है इसमें अपने आप को ढालें, और इसके लिए सरकार के भी क्या कदम रहते हैं। बिल्कुल, ना देखिए, ना सिर्फ एसी बल्कि सुख सुविधाओं की जो तमाम चीजें होती हैं, खास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीजें होती है उसका वातावरण पर और वायुमंडल पर उसका बुरा असर देखने को मिलता है। और एसी इसके लिए सबसे ज्यादा इसको जिम्मेदार माना जा रहा है, चूंकि उससे जो हवा निकलती है या फिर जो गैस निकलता है वो कहीं ना कहीं उससे जो टेम्परेचर होता है टेम्परेचर में और ज्यादा वृद्धि होती है। खासतौर पर शहरों की बात करें तो आप देखेंगे कि अधिकतर घरों में आज के समय में, चाहे दफ्तर हो या फिर लोगों के अपने घर हो, वहां पर लोग एसी का इस्तेमाल बेधड़क होकर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि तापमान में जिस तरीके से वृद्धि हो रही है उसमें कहीं ना कहीं एक वजह एसी भी है। हालांकि सरकार की तरफ से और जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो लोग एसी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे पर्यावरण पर काफी दुष्प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है कि जिस हिसाब से लोगों की जीवन शैली बदली है और लोग एक तरीके से आदी हो गए हैं सुख सुविधाओं को लेकर, जो एक लाइफस्टाइल है उसको लेकर, तो उसका असर भी वातावरण पर और पर्यावरण पर देखने को मिल रहा है।